लेसन थ्री पार्ट सी एक्सप्लेन दैट द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस वाज द काज फॉर अमेरिकन यूनाइटेड अमेरिकन रिवॉल्यूशन। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो थी उसके कारण यूनाइटेड अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर द पॉइंट वन है ये, द कॉलोनीज़ हैड द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इन 1774 CE इन फिलाडेल्फिया टू डिस्कस द इंटॉलरेबल एक्ट ऑफ द ब्रिटिश। जो कॉलोनिस्ट ने अपनी पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की जो बैठक थी वो 1774 CE में फिलाडेल्फिया में ब्रिटिश कार्यों की असहनीय कार्यों को डिस्कस करने के लिए बुलाई। पॉइंट टू, द कॉलोनिस्ट फॉर्म्ड द कॉन्टिनेंटल एसोसिएशन एंड डिसाइडेड टू स्टॉप ट्रेड विद ब्रिटेन। दिस एसोसिएशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हैड प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर वॉर। कॉलोनिस्ट ने जो है कॉन्टिनेंटल एसोसिएशन को तैयार किया और ब्रिटेन के साथ व्यापार को रोकने का निर्णय लिया। ये एसोसिएशन ने जो है एक इम्पोर्टेंट रोल जो है अमेरिकन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में मेन रोल प्ले किया। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने वार के लिए भी एक ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया। पॉइंट थ्री, ऑन 14 जून 1777 CE द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस अडॉप्ट द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स फ्लैग। जॉर्ज वाशिंगटन वाज मेड द कमांडर इन चीफ इन द कॉन्टिनेंटल आर्मी। ऑन 14 जून 1770 CE में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्टार्स एंड स्ट्रिप्स का फ्लैग भी अडॉप्ट कर लिया और जॉर्ज वाशिंगटन को कमांडर इन चीफ जो है कॉन्टिनेंटल आर्मी में बनाया गया। पॉइंट फोर, ब्रिटिश हैड वॉन मैनी वार्स अंडर द कमांड ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैड टू सरेंडर व्हेन ही वाज सराउंडेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच ट्रूप्स योकटाउन। एट योकटाउन इट मार्क द एंड ऑफ द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश ने कई वार जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कमांड के अंडर जीते थे, परंतु जो है जब वो अमेरिकन और फ्रेंच ट्रूप्स ने यॉर्क टाउन के नामक स्थान पर जो है जब उसे सरेंडर करना पड़ा तो इट वाज अ मार्क, क्या था, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का अंत था। पॉइंट सॉरी क्वेश्चन नंबर टू, डिस्कस द काजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। उन कारणों को बताइए जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पॉइंट वन, फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है गलत प्रबंधक। All the administrative decisions were taken in the interest of the British Parliament, ignoring the interest of problem of the colonies. Hence, the American colonies revolted for their interest. सभी पर administrative decisions जो थे वो British Parliament के हिसाब से या उनके interest के हिसाब से लिए जाते थे, जिसमें कि colonies की interest और problems को ignore कर दिया जाता था। फिर American colonies ने अपने फेवर के लिए जो है रिवोल्ट कर दिया। यह है वीडियो वन, पार्ट सी वीडियो वन।